भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने ऊपर हमले के दावे को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। ये चुनाव हारते हुए प्रत्याशी की नई नौटंकी है। बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट महंत रामसुंदर दास की सरलता और निश्चलता के सामने फेल हो गया है। इसी बौखलाहट में वे सहानुभूति पाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला कौन कर सकता है, उनको कौन धमकी देगा। बृजमोहन जी ने मोदी जी को टेबल के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया था। सीएम बघेल ने कहा कि उनके सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है। जनता सब समझती है, अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव। पूरी कोशिश हो रही है सर, सांप्रदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो लाख कोशिश करे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने की बौखलाहट में वे अपने ऊपर हमले की एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महंत श्री रामसुंदर दास की लोकप्रियता, उनकी निश्चलता के सामने बृजमोहन अग्रवाल का सारा चुनावी मैनेजमेंट फेल हो गया है। तो बृजमोहन अग्रवाल अब इस प्रकार की नई नौटंकी करके सहानुभूति पाने के उद्देश्य से अपने लोगों के माध्यम से ही हमले की नौटंकी करके नई कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन दक्षिण की जनता और रायपुर शहर की जनता बेहतर ढंग से जान रही है कि बृजमोहन कितने ज्यादा षड्यंत्रों के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बात महंत रामसुंदर दास की जो लोकप्रियता है, महंत रामसुंदर दास की जो छवि है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन सांप्रदायिकता का कार्ड भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस प्रकार की नई नौटंकी करके नई कहानी गढ़ के सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता जान चुकी है अब की बात दक्षिण की जनता बृजमोहन अग्रवाल से छुटकारा पाकर ही दम लेगी।